Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe my channel and share. आज मैं आप लोगों को या रहमानों के बारे में कुछ मालूमात दूंगी. या रहमानों, ए बख्शने वाले, रहमत नाजिल करने वाले, ये इसमें जलाली है. इसके अदद 298 हैं. इस इसम का खासा सारे आलम पर रहमत नाजिल करना, बिलाक़ैद मजहब, ख्वाह मुसलमान हो या काफिर, यहूदी हो या नसरानी, खुदा का दोस्त हो या दुश्मन, इंसान हो या हैवान, दरख्त हो या पत्थर, आम तौर से सब पर रहमत फरमाना इस नाम का खासा और इस सरकार का मनसब है. इस सरकार ने रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया में नाजिल फरमाया है, जिसका असर सारे आलम में रहमत की ये निशानियाँ हैं कि शेर सा खूंखार जानवर किस मोहब्बत से अपने बच्चों को दूध पिलाता है, हाथी अपने बच्चों को किस मोहब्बत और शफ़क़त से देखता है. अब इस नाम की तासीर देखें. जो शख्स या रहमानों का अक्सर वजीफ़ा पढ़ेगा, उसका दिल नहायत नरम और गदाज रकीक़ क़ल्ब हो जाएगा. जब किसी बीमार मुसीबत जता को देखेगा, फौरन आबदीदा होकर इस शख्स की तकलीफ रफा करने की कोशिश करेगा और खुदा चाहे कामयाब होगा. अब इसकी खासियत ये है, जो शख्स या रहमान को फजर की नमाज के बाद 298 मरतबा पढ़ेगा, खुदावंद करीम के ख़ास रहमत में दाखिल होगा और दुनिया में इस पर कोई आड़ी और मुश्किल ना पड़ेगी. हर एक कारोबार में फराख दस्ती नसीब होगी. ये आप सब ने इस पे अमल करना है और इसकी तासीर को मतलब ख़ुद महसूस करना है. इस खासियत को आप लोगों ने अमली मतलब तौर पर करना है, इस अमल को करना है और फिर आपने ख़ुद इस तासीर को महसूस करना है. शुक्रिया.